एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2022 21 मई 2023 को कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही एमपीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दिया है। एमपीपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की जो दिया हुआ है उसी को देखते हुए पेपर वन के क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे। यह पेपर वन का सेट बी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ऑप्शंस हैं, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ई वाणिज्यिक या ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी, कोर्टेसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल, डॉर्ट माउथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर फोर है, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच, सर्वविद्यमानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। सही उत्तर है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? डेटा, एल्गोरिदम, लोग, क्षमता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनल डायोड, शॉटकी डायोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टनल डायोड। क्वेश्चन नंबर टेन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तापीय सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण, प्रकाशिक सक्रियता, अशुद्धि अंतःक्षेप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AFINDEX 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? किंवाशा, भोपाल, पुणे, जोहान्सबर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? महू, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महू। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री गणेश, वासुदेव मावलंकर, सरदार हुक्म सिंह, श्री नीलम संजीव रेड्डी, श्री बलीराम भगत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? जकार्ता, हेग, जिनेवा, रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में मतलब कि अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, आर हरिकुमार, मंगल राय, गुरबीर पाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? सरपाल सिंह,
जूट फेलिक्स सेबेस्टियन रामेश पठानिया मर्जबान पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित हैं, रंगास्वामी कप पोलो, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, यादविंद कप हॉकी, रोवर्स कप फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था, लुका मोड्रिक, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, डियोगो फोरलान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है, भरहुद, सांची, सोनारी, सतधारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, भोपाल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, पहला है साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचूरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था, अलबहारी, अलमसूदी, अलबरूनी, इबन बतूता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा, आदिवासी क्षेत्र में, नृत्य, संगीत, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारा सिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है, यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, यह एक अलौह धातु ढलाई कला है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे, सूर्योदय, प्रभा, लोकमत, संध्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है, दशपुर, बेसनगर, माहिष्मती, अवंती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, आनंद सिंह श्याम एवं धनियाबाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, बाघ प्रिंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। एलोपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। एलोपैथी, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुर्वेद तथा एलोपैथी, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है, पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, FPO, ISI, BEE, हॉलमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित BT बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है, सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए, फफूंदीय प्रतिरोध के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं, सेडल जोड़, फाइब्रस जोड़, कार्टिलेजिनस जोड़, सिनोवियल जोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इकोटीवियन और इकोटोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायु की गति का मापन किया जाता है बैरोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, अधिकतम या न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, भोपाल, जबलपुर, देहरादून, दार्जिलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, परंपरा के अनुसार अलवारो और नैनारो की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 12 और 63। क्वेश्चन नंबर 44 है, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? अजंता, बाघ, सांची, बलासर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये है 9 अगस्त 1942। इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 47 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1336 AD। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिनकठिया पद्धति। क्वेश्चन नंबर 49 है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्तियाँ किसने लिखी? तो इसको कबीर दास जी ने लिखा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें कथन एक और कथन दो दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, के संथानम। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची, भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 59 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 60 है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 222। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1949। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 65 है, मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 67 है, नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध या लैंड लॉक देश नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 75 है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 78 है, 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तटी या ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 80 है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुएं एवं ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है। एक तरफ दिया हुआ है सिंचाई परियोजना, दूसरी ओर जिला बरना रायसेन कोलार सीहोर सुक्ता बैतूल पुनासा खंडवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तीसरा, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडला। क्वेश्चन नंबर 89 है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 90 है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। क्वेश्चन नंबर 93 है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिंडौरी। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 96 है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 97 है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1000। क्वेश्चन नंबर 98 है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 99 है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरला ग्रीवाल।